जिंदगी जीने के लिए एक योजना की जरूरत होती है, उसी तरह आपके पैसों के लिए भी आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, और खासकर इसीलिए क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है, ये आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई है, और इसीलिए ये पैसे आपको कमा कर दे तो बहुत जरूरी है कि आप इनको सोच समझ कर निवेश करें। और आप ये कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं इस खास पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की ABCD, जहाँ पर निवेश को आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। और आज ये समझाइश देने के लिए मेरे साथ है साफिन आनंद, जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं है। लॉयर होने के साथ साथ ये एक वैल्यू इन्वेस्टर है, और बाजार के मौजूदा चाल में, बाजार के जो हालात हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, उसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन से जूझना चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए, अपने निजी अनुभव के जरिए साफिन हमें शो में समझाने की कोशिश करेंगे। साफिन, एक निजी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपका नाम जो है ना, वो बहुत अनोखा है, बहुत अलग है, साफिर, इसका मतलब क्या होता है? नमस्कार जी, मेरा नाम का मतलब है एम्बेसडर टू गॉड, और मेरा आनंद का मतलब तो सबको मालूम है, तो मैं एक उस तरीके से एक यूनिक सॉर्ट ऑफ नाम है, और मेरे लिए बड़ी एडवांटेज है उसकी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे चाहे जीमेल अकाउंट करना हो या कोई भी एप्लीकेशन में लगाता हूँ तो मुझे फर्स्ट गो पे वो मिल जाता है, तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ये इंटरनेट की वर्ल्ड में कोई भी चीज को रजिस्टर करने में। बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा कि आपका नाम है, कई बार हम ऐसे कहते हैं या ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि आपका जो नाम है ना, आपकी खुद की पर्सनालिटी पर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है, उसकी छवि कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत में रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसी बात है आपके साथ तो वो छवि आपकी शख्सियत में और गहराती जाए। लेकिन सवालों का सिलसिला मैं शुरू करना चाहती हूँ आपके साथ, और एक आम निवेशक और रिटेल निवेशक को, क्योंकि एक तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप एक दिग्गज इन्वेस्टर के लिहाज से हर जगह हर चैनल पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और जिस भी तरह से मैं देखती हूँ कि आप सलाह देते हैं लोगों को, आपकी बोली हुई निवेश की जो बोली है ना, वो समझ में आती है। तो देखिए, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, भले ही हम बाज़ार के उतार चढ़ाव को लेकर बात करें, महंगाई के बढ़ते हुए डर को लेकर बात करें, कच्चा तेल 130 के पार हमने जाता हुआ देखा है, सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर बढ़ रही हैं, तमाम चिंताओं में से आप निवेशक के तौर पर किस चिंता को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, कौन सी चिंता आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है? तो जो चीज अभी आज तक हुई नहीं है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है समझने के लिए। इतना तेल और इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल तो बहुत बार ऊपर नीचे जाते हैं और ये काफी जल्दी बदल जाते हैं, बिकॉज इसके अंदर काफी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो अपना कोई ना कोई तरीके से उसको कंट्रोल करती है, चाहे वो फिस्कल मेजर से, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी से, एक्सेट्रा। लेकिन जो चीज मुझे बिल्कुल नहीं पता वो है जो रिटेल का जो रिएक्शन रहेगा या जो उनका सोचने का विचार रहेगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा तब डाला है मार्केट में जब मार्केट ऊपर गई है। 2020-2021 में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा है, लेकिन अभी जब मार्केट करेक्ट हुई है और उनको भी चोट लगी है उनके पोर्टफोलियो में और थोड़ा बहुत घबराहट है, बहुत नेगेटिव न्यूज है, तो अभी तक, जैसे कल तक तो आप देख रहे हो कि DII की, और DII का मतलब रिटेल की, क्योंकि DII को भी रिटेल ही पैसा देता है, और डायरेक्ट रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में अभी तक तो मजबूत है, बट आगे जाके उनका क्या रिएक्शन रहेगा अगर मार्केट ना बढ़े, ये थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत ह्यूमन बिहेवियर से कनेक्टेड है और ये ह्यूमन बिहेवियर को जांचना शॉर्ट टर्म में काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी तरह से कुछ भी कहना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं बाजार को, इतने सालों का आपको अनुभव है, ये आपको लगता है कि छोटी अवधि का ही उतार चढ़ाव है? ये मेरी उम्मीद है, ये उम्मीद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरीके से आप ना कई बार बहुत मजबूती से एक निर्णय ले सकते हो कि आपको बुलिश रहना है या बेयरिश रहना है, लेकिन जब मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल आते हैं तो ये वो आपके माइंड को इम्पैक्ट करेंगे, और आपके, क्योंकि पोर्टफोलियो को संभालना दो तरीके हैं, एक तरीका होता है कि आपको अपने स्टॉक्स में बढ़त चाहिए और दूसरा है कि आपको गिरने से भी उनको बचाना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप एक बैट्समैन हो और आप बोलो कि आपको रन रेट भी बढ़ाना है और आपको अपना विकेट भी संभालना है, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है,
और इस रीजन से आपको या तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका होराइजन या आपका आउटलुक जो है वो थोड़ा लॉन्ग रन है तो फिर आप काफी अच्छे स्टॉक्स जो गिर रहे हैं उनकी तरफ अपनी नजर डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक हिस्टोरिकली एक मानी भी बात है कि या तो आपको गुड न्यूज मिलेगी या गुड प्राइसेस मिलेंगे, पर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि आप रात को चैन की नींद सोते हैं? हाँ, चैन की नींद अगर आप नहीं सोएंगे ना तो अगले दिन आपको मार्केट से बहुत ज्यादा घबराहट होगी, और घबराहट इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। घबराहट का मतलब नेसेसरीली पैनिक नहीं होता, घबराहट का मतलब ऑल्सो होता है बेचैनी। आपको अगर अपने स्टॉक को देख के बार बार आप इधर से उनकी लाइन बदल रहे हो या उनकी ओनरशिप बदल रहे हो या उनका क्वांटिटी बदल रहे हो तो वो भी एक बेचैनी आपके लिए अच्छी नहीं है। स्थिर माइंड चाहिए होता है आपको इन्वेस्टिंग में, और उस पॉइंट से या तो आप रात को चैन की नींद सो या अपने माइंड को डाइवर्ट करो, टीवी देखो, पिक्चर देखो, म्यूजिक सुनो, अपने फ्रेंड्स को मिलो और उससे आप ठीक रहोगे। किताबें पढ़ो, सबसे अच्छी बात है। चलिए, आप कौन कौन सी किताबें फिलहाल पढ़ रहे हैं आगे चलकर मुझे जानना होगा आपसे। लेकिन देखिए, हर एक इस तरह का जब भी कोई माहौल हो, जब भी इस तरह की गंभीर परिस्थिति हो ना, तो एक छोटी सी आस या एक आशा की किरण भी काफ़ी होती है। वो कहते हैं ना, डूबते को तो तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। घरेलू फ्रंट पर अगर मैं कोई ऐसे ट्रिगर्स के बारे में जानना चाहूँ जो आपको लगता है कि हमारे लिए आस या आशा की किरण हो सकते हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है, भारत का जो रिकॉर्ड है, वो इतना पीस लविंग नेशन रहा है अपनी पूरी हिस्ट्री में कि बाकी वर्ल्ड में जितना ज्यादा अभी उछाल आया है उसको उसके कंपैरिजन में इंडिया की रिलेटिव पोजीशन काफी स्ट्रांग है एज अ नेशन। तो उस वो एक पहली बात अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट काफी प्रो बिजनेस बन गई है। जैसे आपने बजट में भी देखा कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात करी थी कि हम ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ग्रोथ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, और ये एक अच्छी बात है। और तीसरी बात है कि हमारी कंट्री के अंदर जो अर्निंग साइकिल है वो पिछले 5 साल से काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काफी लो रहा है, नीचे रहा है, और अभी उसकी कैपेक्स की रिवाइवल होने का अच्छा चांस है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर अभी कैपेक्स रिवाइवल का बेनिफिट नहीं आया है, और हमारा जो रिजर्व बैंक है वो मेरे ख्याल से दुनिया के सारे रिजर्व बैंक से बेटर सोच कर रहा है, क्योंकि उसने ना हमने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी है, ना हमने किसी तरीके से आर्टिफिशियल बूस्ट करा है, और फिर भी हमारी इकोनॉमी काफी मजबूत है। तो ये सब अच्छे साइन हैं। और फिर एक और बात है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो खुद ही इतनी सॉलिड हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया थोड़ी ये मुश्किल मार्केट है, उसमें रूरल इम्पैक्ट है, उसमें सिटी का अर्बन इम्पैक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज, कभी ओनरशिप पैटर्न्स को लेके एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते रहती हैं। तो उस पॉइंट से हमारी कंपनीज ने ये सारा जिसको कहते हैं जुगाड़ इनोवेशन भी इतना इंडिया में होता है, हमारी कंपनियों ने इतना जुगाड़ करा हुआ है अपनी वर्किंग में कि उनकी एबिलिटी या उनकी जो ताकत है या उनकी जो रेजिलियंस है, मेरे को हिंदी का रेजिलियंस वर्ड नहीं पता, बट रेजिलियंस जो है वो बहुत मजबूत है। साफिर, मुझे एक बात बताइए, देखिए महामारी का दौर शुरू हुआ, खत्म हुआ, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि अब ये जो बादल थे वो छट गए पूरी तरह से। कई तरह से हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स में ग्रोथ कई जारी है कि प्री कोविड लेवल्स पर भी जाती हुई हम देख रहे हैं। अब उस दौर पर हम पहुंच ही रहे थे, उस जगह पर हो, उस पायदान पर हम आ ही रहे थे कि इतने में हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन आते हुए दिखाई देंगे, जो तमाम अक्रॉस द मार्केट, अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने इसका असर पड़ता हुआ देखा है। अब जो बुनियादी तौर पर शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के लिए, वो किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है अर्थव्यवस्था के लिहाज से और बाजार के लिहाज से? एक तो एडवांटेज जो हमारी देश को है वो ये है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और काफी साल से बहुत स्ट्रांग रही है, और आईटी क्योंकि कंपनी की एफिशिएंसी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अभी भी आप आईटी में जो ऑर्डर इनटेक है या जो जॉब सिचुएशन है वो बहुत रोबस्ट है। तो एक तो ग्रोथ फैक्टर आईटी इंडस्ट्री से ही आ गया। दूसरा पॉइंट है कि अभी मैं सुबह ये विचार कर रहा था कि ये जो वीट प्राइसेस बढ़े हैं और इंडिया के पास इतना सरप्लस वीट था
अब एक तरीके से तो उनके लिए बोनांजा हो गया, क्योंकि वो वीट अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी उसमें से कलेक्शन बहुत अच्छी होगी। और अगर ये रियलिटी है कि एग्री इनपुट के प्राइसेस इतने बड़े हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहे हैं, तो रूरल इंडिया के हाथ में जो पैसा आएगा इसके रियलाइजेशन से, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसी बहुत स्कीम करी है जिसके अंदर मिडिल मैन को हटा दिया गया है, तो वो उम्मीद है कि रूरल इंडिया के अंदर वो पैसा आने से भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज होगा, बिकॉज आपका जो ग्रोथ है वो रूरल इंडिया से स्लो डाउन कर गया था लास्ट कुछ साल में। तो ये एक उम्मीद का एक किरण है। अब देखना है कि ये मेरा विचार अगर ये प्ले करता है या नहीं करता, ये तो मार्केट डिसाइड करेगी, बट अभी तक तो ये एक तरीके से एक सोच है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे लकीली इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री का इम्पैक्ट इतना अभी जो है वो सप्लाई चेन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि कहीं ना कहीं तो ये ट्रांजिशन ऑफ द इंडस्ट्री होगा टूवर्ड्स ईवी। और उसका तो जब आप रिप्लेसमेंट देखोगे कि सारी गाड़ियां एक तरीके से दूसरे कैटेगरी में रिप्लेस होंगी, तो कहीं ना कहीं जाके तो ये बात संभलेगी। और एक और चीज है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट नहीं होता और उनके पास पैसे नहीं आते तो इम्पैक्ट है, लेकिन टैक्सेशन साइड बहुत रोबस्ट है और हमारी कंट्री ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है उस टैक्सेशन को जीएसटी और अदर फॉर्म से और डिजिटल फॉर्म से उसको कैप्चर करने की। तो उम्मीद है कि इन सब चीजों से इंडिया कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ज्यादा मजबूत रहेगा। आपने अपने पोर्टफोलियो में अब किस तरह के बदलाव किए हैं हाल ही में? तो पोर्टफोलियो में दो तरीके के बदलाव हैं। एक तो है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी लार्ज कैप्स हैं जहां पे आपको लगता है कि अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो मूड खराब है और वो जो बेचे जा रहे हैं, वहां पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहां पे थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर या कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर भी जो गिराव आया है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, मुझे लगता है वहां से बाउंस आना चाहिए। तो कुछ तो मैंने बैंकिंग स्टॉक्स ऐड करे हैं, बिकॉज अगर आप बोलोगे कि कंट्री के अंदर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट फाइनेंशियल ग्रोथ कुछ भी ग्रोथ आ सकती है, बिकॉज वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है सिस्टम का। और वहाँ पर काफ़ी फायदे हुए हैं बैंक को, जैसे कि एनपीए इश्यूज का रिजॉल्व होना, अब क्रेडिट साइकिल शायद पिकअप करेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर काफ़ी स्कोप है। और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हो चुकी है उस सेक्टर के अंदर, तो एक तो वो है। और दूसरा जो मिड कैप में काफ़ी जो कंपनियों जो लीडरशिप स्टेट में है, उन कंपनियों के प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, 25% कई जगह 25-30% करेक्ट हो गए हैं रॉ मटेरियल की वजह से। अब अगर आपका ये विचार है कि रॉ मटेरियल पूरी जिंदगी नहीं बदलेगा, तब तो ये गलत परचेज हो जाएगी। बट मेरी ये अपनी राय नहीं है कि ये रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं ये कंटिन्यूसली इतने हाई रहेंगे। तो एक क्वार्टर अगर बुरा निकल भी गया, आपने उस कंपनी की मार्केट कैप को 25-30% और पहले इम्पैक्ट कर दिया है और आगे की आप सोच नहीं रहे हो, तो कुछ ऐसी कंपनियों में भी मैं अपने पैसे और डाल रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि अब इस तरह के माहौल में क्या आप किसी को अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ करने की सलाह देंगे? खैर, आपने पूरे समीकरण का जायजा लेते हुए और तमाम परिस्थितियों पर पढ़ाई करते हुए ये फैसला लिया है। हर निवेशक शायद इतना जागरूक ना रहे, तो एक आम रिटेल निवेशक जो शायद इतनी बारीकी से बाजार को नहीं जानता हो, नहीं पढ़ता हो, नहीं परखता हो, उसे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने अपने पोर्टफोलियो में तो चेंजेस करे हैं, तो मैं वही चीज की राय दूंगा जो मैं खुद करूंगा, नहीं तो मेरी सोच अलग होगी और मेरा जो उसके ऊपर काम होगा वो अलग होगा। तो जो मुझे लगता है कि अभी आपको स्मॉल कैप में ना दो टाइप की कंपनियां हैं, एक तो वो कंपनियां हैं जिनके अंदर बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है, क्योंकि उनका या तो कैपेक्स कंप्लीट हो गया है या उनको बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिल चुके हैं और वो अब ग्लोबल स्केल पे जा रहे हैं, कुछ की एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, वहां पर तो आप अपना पैसा रख सकते हो। बट कुछ ऐसे भी स्मॉल कैप हैं जो कि इस पर्टिकुलर लास्ट कुछ महीनों की वेव में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं
और ये बहुत ही अन्याय लग रहा है कि मार्केट में जो कंपनियां इतनी थोड़ी बहुत अननोन कंपनी है वो तो ऊपर जा रही हैं और जो नोन कंपनियां वो नीचे आ रही हैं, ऐसा होता नहीं है कभी लॉन्ग टर्म में। तो आपको कहीं ना कहीं से अपने प्रॉफिट्स निकाल के ज्यादा मजबूत कंपनियों के अंदर जाना चाहिए, ताकि अगर आप गलत भी हो जाएं, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी व्यू सही होगी, तो आप गलत भी हो जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बड़ी कंपनियों का बहुत फायदा होता है, एक तो वो जब इक्विटी ऑफलोड करती हैं तो उनमें इंटरेस्ट होता है, दूसरा प्रमोटर्स खुद बाय बैक कर लेते हैं, और तीसरा कि उनके अंदर कोलैबोरेशंस नई नई लेवल के आ जाते हैं, वो मार्केट लीडर्स होते हैं तो उनको प्राइसिंग में भी आसानी होती है, कई बार उनको लेंडिंग में भी अगर पैसा उठाना हो मार्केट से भी तो आसानी होती है, उनको क्रेडिट पीरियड भी कई बार अच्छा मिल जाता है, खुद ही लीडर्स हैं, तो बहुत फायदे हैं ऐसी कंपनियों के। तो इस समय जैसे वो कहते हैं ना नोन नोन, उस आपको थोड़ा नोन नोन या की तरफ ज्यादा जाना चाहिए और अननोन की तरफ से थोड़ा हटना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा महंगाई की ओर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये अब हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। कच्चा तेल की कीमतों की आप बात कर लें, अब इसका इम्पैक्ट तो आपको चौतरफा दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, घर के बजट को लेकर हम बात करें, अपने निवेश में अब महंगाई को किस तरह से आपको आंकना चाहिए और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, अभी महंगाई का इम्पैक्ट आपको बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट की बात है कि ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं और इसका अभी भी पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस में भी चेंज आएगा, गैस प्राइसेस में भी चेंज आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के प्राइसेस में भी चेंज आ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ गई तो आपकी उम्मीद है कि अगर आप काम करते हैं तो आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, आप कॉर्पोरेट में तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब वहां पर ग्रोथ का जो फंक्शन है वो ये भी है कि ये दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी लंबी चलती है, अगर तो ये बहुत ज्यादा लंबी चलेगी तो ये एक काफी एक सीरियस प्रॉब्लम रहेगी, और अगर ये किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए या रुक भी जाए तो क्या होगा कि अभी आप एक तरीके से देखो कि जो आप चाइना से कंपीट कर रहे थे अब आप यूरोप से भी कंपीट करोगे, बिकॉज यूरोप के अंदर भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और इसका क्वेश्चन है कि वो इंडस्ट्री या कौन सा व्यापार इसका फायदा उठाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे इंडियन इंडस्ट्री ने कुछ महीने पहले बांग्लादेश के कंपैरिजन में टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा यू नो एडवांटेज लिया था, क्योंकि हमारे पास फुली इंटीग्रेटेड कंपनियां थी। अब ये बहुत स्पेसिफिक बात होती है कि आपको देखना पड़ेगा कि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा या इससे आपको आप इतने अगर मजबूत नहीं हो बिजनेस में और आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं हो, रॉ मटेरियल आपको बिल्कुल ही उधेड़ देगा, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ एक महीने की है या कुछ दिनों की है और प्राइस 20-25% गिर गए हैं तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अच्छा साफर, शुरुआत में हमने पोर्टफोलियो के बनावट पर बात की है, लेकिन जब भी आप एक निवेश पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अमूमन सलाह यही होती है कि आप अपने लक्ष्यों के आधार पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है, और जितना हो सके लंबी अवधि के लिए बनाइए। आज की तारीख में उन निवेशक जिनके लक्ष्य पूरे हो रहे हैं या पूरे होने की कगार पर है और इस तरह की वॉलिटिलिटी वो देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, तो उन्हें क्या कदम उठा लेने चाहिए? तीन चीजें होती हैं। अगर पहली चीज है कि अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रही तो आप कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे और मार्केट अगर ठीक हो जाएगी कुछ महीने बाद तो वो भी आपको आपको प्रॉफिट ही देके जाएगी। दूसरा चीज है कि अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ज्यादा बढ़ गए हैं और आपको अभी उनमें प्रॉब्लम दिख रही है या उनके अंदर कोई कारण है कि जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही है, उनके बारे में ज्यादा सोचना पड़ रहा है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि इसमें से आप ज्यादा मजबूत कंपनियों की तरफ जाओ। और तीसरा है कि अगर आप फुली इन्वेस्टेड हो और आपको डर लग रहा है मार्केट से और आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ये भी रियलिटी है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बड़ा फंक्शन है इन्वेस्टिंग का, तो आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत परसेंटेज बेच दो, क्योंकि आपको वो तो लगेगा कि आपके पास थोड़ा सा ऑक्सीजन आ गया है बाय कैश की वजह से। लेकिन अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो और आप डेली स्टॉक प्राइसेस नहीं देख रहे और आप बिलीव करते हो कि चाहे कुछ महीने बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री में काफी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व ही हुई हैं, तो फिर मेरे को लगता है आपको धीरे धीरे करके उसके अंदर निवेश करना चाहिए।
बॉन्ड यील्ड्स के चलते, अब बॉन्ड यील्ड्स ही क्यों, मैं तो हम दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बढ़ती ब्याज दरों की ओर हम बढ़ चुके हैं। भारत में भी बस कुछ ही महीनों की बात है कि हम बढ़ी हुई ब्याज दरें आती हुई देखेंगे। मुझे ये बताएं, अब इस सिनेरियो में अपने डेट पोर्टफोलियो में मुझे, क्योंकि इस तरह की उतार चढ़ाव बाज़ार में दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे निवेशकों को यही एक सवाल होता है कि हमारा पैसा सुरक्षित कैसा रहे, अगर हमें मुनाफा ना हो तो कम से कम जितना हमने डाला था उतना हम निकाल लें, तो अब क्या FD की ओर हमें रुख करना चाहिए? ये ना मैं गलत जना हूँ इसके इसके ऊपर कमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं खुद फिक्स डिपॉजिट नहीं करता, बट बहुत लोगों के लिए फिक्स डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके लिए एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम होती है। मैं हमेशा लोगों को ये राय देता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ और मेरे काम से मेरी कमाई होती है और मेरी कमाई मार्केट में इन्वेस्ट होती है, तो अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है और वो इनकम आपको आज या तो आपके खर्चे को पूरा संभाल रही है, या आपको वो एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा बचने की वजह से आप उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो ये वो अलग बात है। दूसरी चीज है कि फिक्स डिपॉजिट का फंक्शन आपकी एज से भी लेकर है। अगर आप ज्यादा आपकी उम्र ज्यादा है तो आप सेफ्टी की तरफ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि फिक्स डिपॉजिट को तो इन्फ्लेशन से लड़ाई करनी है, बट स्टॉक्स को दो चीजों का फायदा है, एक तो वो इन्फ्लेशन को करने के लिए वो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है, और दूसरा नॉर्मली इन्फ्लेशन के टाइम पे ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा प्रॉस्पर करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत तरीके से, मैंने जैसे समझाया, उसके अंदर बहुत सारी रेजिलियंस होती है। तो मैं तो पर्सनली अभी भी इक्विटी की तरफ ही इंक्लाइंड हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, ये भी थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा एक इन्वेस्टर को, बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएगा गोल्ड के अंदर भी। इंडिया बहुत इन्वेस्ट करता है गोल्ड के अंदर, तो एक तरीके से एक तरफ से कुछ चीजें गई हैं जैसे इक्विटी में, और एक तरफ से थोड़ी बहुत आई भी हैं, तो वो अपना अपना विचार से उनको बैलेंस करना पड़ेगा। आप अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर्स की सूची में गिनते हैं, एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बाजार के उतार चढ़ाव में किसी भी सेक्टर कंपनी का चुनाव करना कितना मुश्किल या कितना आसान हो जाता है? क्या पैरामीटर्स आपके होते हैं, और क्या ये पैरामीटर्स बाजार की चाल के मुताबिक बदलते हैं? एक्चुअली जो पैरामीटर्स होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप एक तरीके से एक इंडस्ट्री वाइज मैक्रो पिक्चर देखते हो। जैसे कि अभी पूरी दुनिया में ये ग्रीन एनर्जी की तरह मूवमेंट है, या फॉसिल की तरह मूवमेंट है, तो या हाइड्रोजन की तरह मूवमेंट है। तो आप जैसे एज एन एग्जाम्पल, मैंने चीनी की कंपनियों का शेयर चीनी की वजह से नहीं लिए थे, मैंने इथेनॉल की वजह से लिए थे, और मैं बार बार आपके शो में, जो इंग्लिश वाले शो में आके समझाता था कि ये क्यों मजबूत सौदा है। तो इस तरीके से आपने या तो एक थीम को पकड़ा। आप जैसे, मैंने काफी महीनों से बोला है कि मैं ऑटो सेक्टर के ऊपर इतना बुलिश नहीं हूं, लेकिन ये अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं उस पर बेयरिश हूं, क्योंकि अब वो कुछ ऑटो कंपनियां इसी अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करेंगी, और ऐसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी कोई ईवी व्हीकल नहीं खरीदेगा या कोई और चीज नहीं खरीदेगा, ये कभी होता नहीं है। सिमिलरली IT इंडस्ट्री के अंदर जो गिराव आया था पिछले 2 महीने से, मुझे समझ नहीं आया था कि IT इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ रूटीन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और उस समय आप क्या होता है कि आप अपने अच्छे स्टॉक्स को बेचने लग जाते हो, जो कि गलत चीज है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटियां मार्केट से मिली हैं, और मैंने तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड ही कराए, और जहां पर मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई सिंसियर प्रॉब्लम है। अभी जैसे एग्जाम्पल, आज ही सारे ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। अब आप उनको, आप एक तरीके से तो बोलते हो कि इकोनॉमी खुल गई है और कोविड खराब हो गया, कोविड खत्म हो गया, और अब लोग खर्चा करेंगे और होटल में जाएंगे और टिकट खरीदेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं नहीं जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेंगी। तो ये तो नहीं होता ना, मतलब आप दोनों तरीके से तो नहीं होता, तो बैलेंस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। आखिर में आपकी निवेश को लेकर गलतियों पर मैं बात करना चाहती हूँ, अब तक के निवेश के सफर में क्या क्या गलतियां की हैं? गलतियां बहुत होती हैं, गलतियां सबसे ज्यादा आप गलती कर सकते हो। एक तो बहुत ज्यादा मार्केट का शोर नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट का शोर राइट होता एग्जुबरेंस के स्टेज पे या फियर के स्टेज पे, तो फिर मार्केट बाउंस बैक नहीं करती है। तो आपको थोड़ा बहुत अपना इंडिपेंडेंट, जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं, आपकी मार्केट में भी मेडिटेशन है, आपको अपना थोड़ा बहुत विचार इंडिपेंडेंट करना पड़ता है। मैं एक ही दिन में 2 जनों से बात करूंगा तो कोई बहुत बुलिश होगा मार्केट पे, कोई बहुत बेयरिश होगा, और आपको ऐसे समझ नहीं आएगा।
दूसरा, आप कभी भी ऐसी कंपनियों के अंदर नहीं आपको निवेश करना चाहिए जहां आपको कंपनी समझ ही नहीं आ रही, आप दो पंक्तियों में उसको कंपनियों को बचा नहीं पाते, या उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी इमीडिएट कैटलिस्ट है क्योंकि किसी को ऑयल से बेनिफिट है या गैस से, तो वो दो दिन में बदल सकते हैं। निकल को ही आप देख लो कि निकल का प्राइस दो दिन पहले कितना बड़ा था और उसके अगले दिन 24-25%, आप ये वाला खेल नहीं खेलना चाहिए आपको। और तीसरा, आपको ना सारा पैसा ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि मुझे आज ही निवेश करना है या आज ही निकालना है, बिकॉज मार्केट ऐसे नहीं बिहेव करती। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सट्रीम में कुछ नहीं करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और चौथा, ये स्टॉक कभी मत खरीदना क्योंकि किसी और ने खरीदा है, क्योंकि वो किसी और ने कब खरीदा और वो कब बेचेगा और उसके पोर्टफोलियो का क्या पार्ट है और उसका बाकी पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत अपनी रिस्क असेसमेंट, अपना अपना फ्यूचर प्लान, अपना टेम्परमेंट, अपना कैश फ्लो सब देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल साफिर, और हमारा इस शो के जरिए मकसद यही है कि इस तरह की गलतियां लोग ना करें। वैसे तो आपने समझाइश दी है, लेकिन इन्हें हम पिन पॉइंट करके निवेशकों को यही समझाना चाहते हैं कि इन तरह की गलतियों से आपको बचना चाहिए और निवेश की बारीकियों में जाना चाहिए। आप खुद किस तरह के इन्वेस्टर हैं, किस तरह की एसेट क्लास को आप समझना चाहते हैं या समझते हैं, योजनात्मक तरीके से आप बाजार की किसी भी चाल का सामना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साफिर समय निकालने के लिए, और निवेश की एबीसीडी में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।